नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। आईपीएल में कल का मुकाबला केके और आरसीबी के बीच होने वाला है। आरसीबी जहां अपने पहले मुकाबले में 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर खेलने उतरेगी, तो वहीं केकेआर को पंजाब किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। युवा कप्तान नीतीश राणा पर इस साल दबाव दोगुना हो चुका है, क्योंकि इन्हें इस पूरे सीजन कप्तानी करनी पड़ेगी। आइए वीडियो के जरिए जानते हैं इस मुकाबले से जुड़ी पूरी खबरें। कल का मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां कोहली का विराट रूप हमने पहले ही मुकाबले में देखा, वो भी मैदान पर नजर आने वाले हैं, वहीं इनके अलावा पूरी बेंगलोर की टीम अलग ही फॉर्म में नजर आ रही है। इस टीम के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है। सबसे पहले तो ओपनिंग जोड़ी ही स्टार खिलाड़ी विराट और कप्तान फॉफ डुप्लेसिस हैं। उसके बाद मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, माइकल ब्रेसल जैसे खिलाड़ी ही की बल्लेबाजी आती है, जो कि सामने वाले टीम के गेंदबाजों का लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देती है। वहीं इस टीम को रीस टोपली के रूप में झटका लगा है और हो सकता है कि वो आज आरसीबी के प्लेइंग 11 में नजर नहीं आए। वहीं सिराज हर्षल पटेल में गेंदबाजी का कमान रहेगा। केकेआर की टीम को सुरेश अय्यर के रूप में बड़ा झटका लगा है, जो कि बैक इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं, और इस वजह से बल्लेबाजी लाइनअप में इस टीम के पास ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी नहीं है। हालांकि गेंदबाजी क्रम इस टीम की शानदार है, जैसे कि उमेश यादव टीम साउदे, सुनील नरेन, शार्दुल ठाकुर और आंध्र रसेल। इन गेंदबाजों के सामने आरसीबी के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करना आसान नहीं होगा। तो इस मुकाबले में यह देखना दिलचस्प होगा कि नाइट राइडर्स की गेंदबाजी जीत पाती है या फिर बेंगलोर की बल्लेबाजी। वहीं जहां बेंगलोर अपने जीत के लय को बरकरार रख आगे बढ़ना चाहेगी, तो वहीं केकेआर अपनी पहली जीत हासिल करने की कोशिश रहेगी। तो मुकाबला कितना बड़ा होगा यह तो कल ही पता लगेगा। फिलहाल क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।